झज्जर जिले के बूपनिया गांव में इन दिनों तनाव का माहौल बना हुआ है और इसकी वजह है एक शादी। दरअसल बूपनिया गांव के रहने वाले एक मुस्लिम युवक ने जिले के ही गांव की एक हिंदू लड़की से शादी कर ली, जिसके चलते इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में लड़का और लड़की के परिजनों को कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि असली तकलीफ खाप पंचायतों को हो रही है, जिसके चलते गुलिया खाप ने लड़के के गांव बूपनिया में पंचायत बुला दी और लड़की वापस नहीं सौंपने पर कड़ा फैसला लेने की चेतावनी जारी कर दी। देखते ही देखते गांव में पंचायत के लिए लोग इकट्ठा हो गए। हालात तनावपूर्ण होते देख पुलिस भी गांव पहुंच गई। गुलिया खाप का एक प्रतिनिधि मंडल बूपनिया गांव के सरपंच के घर जाकर लड़के के चाचा से मिला, क्योंकि अपनी सुरक्षा की चिंता को लेकर लड़के के परिजन पंचायत में आने से कतरा रहे थे। हालांकि काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार लड़के के परिजन पंचायत में आए और उन्होंने पंचायत के सामने साफ कह दिया कि लड़का उनकी बात नहीं मान रहा। पंचायत ने यह भी आरोप लगाया कि शादी करने से पहले लड़की का धर्म परिवर्तन भी करवाया गया है। भाई लड़की इससे पहले जो हमारी पंचायत हुई थी उसमें परिवार लड़के के परिवार पक्ष ने वो आश्वासन दिया था हम आपके साथ हैं और हमारे बच्चे ने कोई गलत कदम उठाया है, पंचायत में उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की थी, इसके माध्यम से वे उनसे बेटे से मिले। माँ बेटे ने फरीदकोट में शायद वो कार्यरत है खोज में, माँ बेटे ने मना कर दिया कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, तो आज परिवार ने आकर हमको बता दी। तो हमारे पास तो एक एजेंडा है भाई, ये जो दो गारंटर हैं उसमें वो बुकनिया गांव के बच्चे हैं, वे बच्चे मना करे हैं, हमारे सिग्नेचर नहीं है। उन बच्चों के माध्यम से हम अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जो धर्म परिवर्तन के माध्यम से जो सरकार को और ग्राम पंचायत को सूचना होती है उसके माध्यम से हम प्रशासनिक मदद लेंगे। अब हम डीसी साहब के पास आएंगे। प्रधान जी, कोई ऐसा मामला भी आया है कि जो परिवार है उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम धर्म परिवर्तन कराएंगे, लड़के को धर्म परिवर्तन करा करके हम जो वो अपना वो आपके आगे पंचायत में उन्होंने बोला है हम पंचायत की गांव की मदद करेंगे, ग्राम बस्ती में हमारा भाईचारा हम उसको कायम। तो प्रशासन से किस प्रकार की मदद चाहते हैं आप? प्रशासन से ये मदद चाहिए भाई, जो जो हमारे भाई हैं उन्होंने सिग्नेचर मना कर रखा है, हमारे सिग्नेचर नहीं है। वहाँ पर वीडियोग्राफी भी होती होगी, शायद आपको भी ज्यादा नॉलेज होगी इस बारे में, और वीडियोग्राफी अगर इनकी नहीं है और इनके सिग्नेचर नहीं है तो 420 के मामले में हम उस पर लड़की को कार्रवाई कराने का काम। कितने दिन का समय इस मामले में दिया गया है? अब समय तो पंचायत को नहीं दिया, प्रशासन से देखते हैं कितनी हमारी प्रशासन मदद करेगा, और मदद नहीं लगेगी तो हम आगे क्यों फिर पंचायत करवाएगी। कहने का सिर्फ आपका यही है कि जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी वो कानूनी प्रक्रिया से लड़ी जाएगी और कोई कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से हम लड़ाई लड़ेंगे। इससे पहले कि खाप पंचायत कोई निर्णय ले पाती, फौज में तैनात लड़के ने अपनी यूनिट में अफसरों के माध्यम से झज्जर पुलिस को लेटर भिजवाया कि गांव में कुछ लोग उसे और उसके परिवार को बेवजह तंग कर रहे हैं। इस लेटर के बाद गुलिया खाप के चौधरी भी ठंडे पड़ गए। जहां पहले वो कोई कड़ा निर्णय लेने का दावा कर रहे थे, तो अब कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ने की बात पर आ गए। हैरानी की बात यह है कि इस शादी से न लड़की के घर वालों को दिक्कत है और न ही लड़के के, मगर गुलिया खाप को इस शादी से ऐतराज है और अब इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही है। मौके पर पहुंचे झज्जर के DSP राहुल देव ने क्या कहा, अब वो सुनिए। शर्मा जी, बुपनियम पंचायत का आयोजन किया गया था, एक धर्म परिवर्तन का मामला था, शादी का मामला था, तो पुलिस का भी काफी यहाँ पे पुलिस बल देखने को मिला, आप भी की भी मौजूदगी रही है, तो किस प्रकार की क्या प्रशासनिक क्या मदद रहेगी? ऐसा है कि आज हम आए थे, जब पंचायत का पता चला हम भी इन्हीं का हिस्सा हैं, तो यहाँ पे आने के बाद हमने तो शांति का निवेदन कराया, दूसरा लोगों से यह निवेदन कराया किसी भी प्रकार के र्यूमर्स किसी धर्म के प्रति ना फैलाए जाए। अगर मामला सामाजिक तौर पर निपटता है हमारे सरपाते हैं, तो इस वजह से आज हम यहाँ पे आए थे अपनी बात कहने के लिए कि शांति बनाए रखें और परिवार की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है और हम उसकी पूरी जिम्मेवारी लेंगे। तो परिवार पीड़ित परिवार में किसी प्रकार की प्रशासन से गुहार लगाई नहीं, हम अपने खुद ही इसकी अपेक्षा करते हुए हमने पूरी सुरक्षा दी रखी है।